गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज होम साइंस में देखेंगे जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। इसके पहले इसी लेसन में हमने बताया था कि जल का संगठन क्या है और इसकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। आज हम देखेंगे कि जल अशुद्ध कैसे हो जाता है या इसमें कौन सी अशुद्धियां होती हैं। बच्चों, अशुद्ध जल में घुलने वाली अशुद्धि होती है और तैरने वाली अशुद्धि होती है। अशुद्ध जल क्या होता है? जो शुद्ध ना हो या जिसमें अशुद्धियां मिली हो। तो घुलने वाली अशुद्धियां जैसे गैस और ठोस के फॉर्म में होती हैं, तैरने वाली अशुद्धियां जो है कार्बनिक और अकार्बनिक रूप में मिली हुई होती हैं। घुलने वाली अशुद्धियों में जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ या पशुओं के मलमूत्र होते हैं, और तैरने वाली अशुद्धियों में जैसे रेत है, कीटाणु है या फिर कूड़ा करकट आदि। बच्चों, जल को शुद्ध करने के कुछ उपाय होते हैं जो निम्न हैं, जैसे भौतिक, रासायनिक साधन और यांत्रिक साधन। भौतिक साधन के माध्यम से हम जल को उबालकर, भाप देकर या सूरज की किरणों के माध्यम से शुद्ध कर सकते हैं। रासायनिक साधन के माध्यम से फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर या आयोडीन और चूना इत्यादि मिलाकर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा है बच्चों यांत्रिक साधन। यांत्रिक साधन यानी जैसे पहले जमाने में ये होता था कि जल को घड़े में रख दिया जाता था तो जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे बैठ जाती थी और शुद्ध जल ऊपर चला जाता था। अब यही चार घड़ों के माध्यम से इसको हम यांत्रिक साधन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, यानी एक घड़ा, दो घड़ा, तीन घड़ा, चौथा, यानी जो अशुद्धि होगी पहले घड़े में रुकेगी, फिर दूसरे घड़े में और पानी छन के आएगा, तीसरे घड़े में चलते चलते नीचे और शुद्ध जल हमको मिल जाता है। बच्चों, आजकल हर घरों में यांत्रिक साधन के रूप में वाटर फिल्टर प्रयोग किया जा रहा है, तो इस तरह से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। कठोर जल, जल कितने प्रकार के होते हैं? मृदु जल और कठोर जल। कठोर जल में बच्चों स्थायी और अस्थायी दो प्रकार का देखा गया है। कठोर जल में जो स्थायी कठोर जल होता है उसको दूर करने के लिए सोडा मिला दिया जाता है, और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उसे उबालकर ठीक कर सकते हैं या जल को मृदु बना सकते हैं। बच्चों, शुद्ध जल और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है? शुद्ध जल, जैसा कि हम पहले पढ़ा चुके हैं कि शुद्ध जल पारदर्शी होता है, वो झाग देता है साबुन के साथ और उसमें नाइट्रेट्स की निर्धारित मात्रा होती है, जबकि अशुद्ध जल मटमैला दिखाई देता है और साबुन के साथ वो झाग नहीं देता है ज्यादा और उसमें नाइट्रेट्स की मात्रा भी अधिक होती है। तो बच्चों, जो टॉपिक है ये आपका, इसमें कुछ प्रश्न हैं, जैसे शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है, इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है, ये ऊपर लिखा हुआ है कि शुद्ध जल पारदर्शी होता है, साबुन के साथ झाग देता है और इसमें नाइट्रेट्स इत्यादि की मात्रा निर्धारित होती है, जबकि अशुद्ध जल मटमैला होगा, इसमें साबुन के साथ ये झाग नहीं देगा, इसमें नाइट्रेट्स की मात्रा भी अधिक होती है। बच्चों, अब है कुछ प्रश्न दूसरा, शुद्ध जल को हम कैसे बनाए रख सकते हैं या अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो ये ऊपर जो है भौतिक और रासायनिक तथा यांत्रिक विधियां हैं, इसको आप लोग आपकी बुक में डिटेल में दिया गया होगा। जैसे भौतिक रूप में या भौतिक साधन से हम जल को कैसे उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं, रासायनिक माध्यम से कैसे और यांत्रिक माध्यम से, तो ये विधियां, इसका चित्र भी कॉपी में बनाकर हमको दिखाइएगा।